अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जाते मौसम की भिंडी सोचा बना लें, तो आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। बस इसका मौसम बहुत ख़त्म हो रहा है और ये आधा किलो भिंडी है और चार प्याज़ हैं मीडियम साइज़ के और दो लार्ज टमाटर हैं। इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है, जैसे हम बाज़ार से कीमा बनवाते हैं ना, हाथ का कीमा, उस तरीके से मैंने इसकी बारीक कटिंग कर ली है। इतनी बारीक है कि ये छिलके वगैरह कोई चीज़ मैटर नहीं करेंगे, वरना मैं नॉर्मली छील के डालती हूँ टमाटर को, छील के और फिर उनके स्लाइसेस कर लिए और उसको थोड़ा कम बारीक कर लिया। लेकिन चूंकि इसमें मैंने छिलके के साथ डाले हैं, तो मैंने इनको ज़्यादा बारीक कर लिया। उसके अलावा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट, रेड चिली डालूंगी मैं और ये अंदाजन डालूंगी 1.5 टीस्पून, और हल्दी डालूंगी 1 टीस्पून और 2 टीस्पून कोरिएंडर डालूंगी। बस ये चार चीज़ें डालेंगी। इसको मैंने हाफ कप ऑयल में चढ़ा दिया है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। प्याज का कलर कुछ चेंज हो गया है और जब तक ये ब्राउन अनियन की जो एक अरोमा आता है ना, खुशबू फैलती है, वो नहीं आए तो इस भिंडी में जायका नहीं आता। तो ये इतनी ही बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, वो फिर जल जाते हैं। तो ये कुछ कुछ ब्राउन हो गए हैं, उसमें से खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ इस मौके पे मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। और इसी में मैं इसी टाइम में मसाले भी ऐड कर देती हूँ। जब मैं भिंडी डाल लूँगी तो फिर उसमें उसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे भून के फिर उसको हल्की आंच पे खड़ा दूँगी। ये कोरिएंडर है, हल्दी है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सब, रेड चिली और सॉल्ट। ये सब इसलिए पहले डल रहा है कि ये फिर बीच में मसाले रच बस जाएंगे। फिर जब भिंडी डलेगी ना, फिर ये नहीं होगा कि कहीं कुछ ज़्यादा रह गया कुछ कम रह गया। अब ये थोड़ी सी देर में इसको करके ना फिर भिंडी डाल देती हूँ फौरन। टमाटर का पानी सूख जाता है ना, फिर वो भिंडी में लेस वगैरह का खच्चा नहीं रहता। तो वो चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्रश कर दिए थे तो उसका जल्दी से ही सूख गया पानी। अब यहाँ इस टाइम में मैं इसमें भिंडी ऐड कर देती हूँ। अब इसको मैं अच्छा सा घुमा के और फिर हल्की आंच पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं भिंडी को गलने में, नहीं तो जितना हल्की आंच पे कुछ देर छोड़ेंगे ना, ये उतनी जायकेदार बनेगी। बस इसका मैं फ्लेम हल्का कर देती हूँ। अब इसको मैं ढकना दे के हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ 15 से 20 मिनट। भिंडी रेडी हो चुकी है, 20 मिनट लगे हैं इसको, क्योंकि थोड़ी सी भिंडी सख्त थी, एक आध दाना सख्त था, बल्कि कहना ये चाहिए कि एक दाना। ये अब रेडी है बिल्कुल,
और इसको जायके के लिए नीचे से थोड़ा सा लग जाता तो बहुत मज़े की जायका आ जाता, लेकिन खैर ये एज इट इज़ बहुत अच्छी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा लीमू ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस इतना। ये इतनी लगी हुई भी बहुत है इसके जायके के लिए ना। बस बहुत नहीं हिलाते, बेचारी भिंडी का कीमा ना बन जाए। बस ये रेडी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और पसंद आए तो ज़रूर बताएं, दुआओं में याद रखें, कमेंट में बताएं कि और क्या सब्ज़ी और क्या चीज़ आप लोगों को पसंद है, और क्या फरमाइश है आप लोगों की, तो ज़रूर कमेंट में दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।